मध्य प्रदेश में सत्ता को लेकर चल रहे इस नाटक में प्रदेश 27 साल बाद फिर राष्ट्रपति शासन की कगार पर पहुंच चुका है। सोमवार राज्यपाल की अगुवाई में विधानसभा बजट सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट करने की संभावना थी, लेकिन कांग्रेस अब फ्लोर टेस्ट से डर रही है, इसलिए फैसला क्षेत्राधिकार पर छोड़ दिया गया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का है तो वो भी फ्लोर टेस्ट टाल सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के आसार बन रहे हैं। प्रदेश राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए आज हर हाल में कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट करने को कहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों के तहत फ्लोर टेस्ट को टाल रहे हैं ताकि कांग्रेस को सरकार बचाने और बागी विधायकों को बचाने का समय मिल जाए। उधर भाजपा भी जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाने पर अड़ी है। ऐसे में राज्यपाल असंवैधानिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इससे पहले प्रदेश में 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक दूसरी बार, 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक और तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।